करवा लेंगे सो रही है रबील फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब फ्री से होंगे, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसी और अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक जी आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी रहमत के साए के नीचे रखे। आज है जी जुम्मे का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको जी बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक जी। तो जुमे वाले दिन जो है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जब हम सुबह को उठते हैं, सबसे पहले हमें जुमे वाले दिन सूरत कैफ की जो है ना वो तिलावत करनी चाहिए और सूरत जुमा जो है ना वो पढ़नी चाहिए। और जुमे वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जुमे वाले दिन जो है ना दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं ना, उसका बहुत अजर व सवाब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने हाथों से दुरूद पाक जो है ना वो रिसीव करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो है ना जुमे वाले दिन जो है ना कसरत से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और सूरत कैफ जो है ना लाजम नहीं पढ़ें। इसको अपनी ज़िंदगी में जुमे के दिन जो है ना हिस्सा बनाएँ, ताकि कल को हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सके जी। तो जितने मेरे बहन भाइयों जो है ना के वालदैन इस दुनिया में नहीं है, दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके वालदैन को जो है ना जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए, और जिनके वालदैन जिंदा हैं अल्लाह पाक उनका साया हमेशा उनके सर पे सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो जुमा पढ़ के आ चुके हैं, और मैं दोपहर की रूटीन आपके साथ जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। तो दोपहर की रूटीन में हम क्या बना रहे हैं अभी जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ जितने मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे जो है ना कमेंट करिएगा। आप सबका जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। तो मैं बना रही हूँ जी दोपहर की रूटीन में अपने बच्चों के लिए तले हुए नान, यानी बेसन वाले नान तल के देने लगी हूँ। अमीर हुसैन को जो है ना बहुत पसंद है, शहराम को भी, तो वो कह रहे थे कि मम्मा जी आज हमें ना हम जैसे हम जुमा पढ़ के आएंगे ना, तो हमें आपने यही बना के देना था। मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने उसे भेजा था भाई से, वो जो है नान लेके आया है अमीर हुसैन, तो शहराम जो है ना ये सब्ज़ी वगैरह लेके आया है, आलू वगैरह जो चीज़ भी चाहिए थी। तो मैं इनको काट रही हूँ, काटने के बाद इसका जो है ना मिक्सचर तैयार करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं अपने बच्चों को ना मज़ेदार से नान तल के देती हूँ। तो रबील फातिमा ज़रा चेक करें, आई आई बुरी बात गिर जाएगी, कितना काम करती हैं बुरे बुरे। उधर हेलो करो, हेलो हेलो करो, यूट्यूब फैमिली के हेलो कर दो, यूट्यूब फैमिली के हेलो करो, सलाम लो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो बाय कर दो, बाय बाय करो, अल्हम्दुलिल्लाह बाय बाय। बोलो आप भी कर दो बाय बाय। गोलू जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं नान का, इसको नान बहुत पसंद है, और ये बाल जो है ना नहीं कटवाता क्योंकि ये डरता कहता है कि मैं कटवाने नहीं है, तो इतना इसको कहती हूँ, इसको डांटती हूँ, फिर भी जो ना बाल नहीं कटवाता। ये है जी मैंने, ये है बेसन, खुश्क धनिया, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर पुदीने के पत्ते मैंने ऐड किए हैं, और इसके साथ ये है जी लीमू, रेड मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, और ये है जी मैंने आलू और प्याज़ों को काट लिए। अभी इन सारी चीज़ों को जो है ना मिक्स करते हैं, और कढ़ाई मैंने जो है ना चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, ताकि ये जैसे ये मिक्सचर जो है ना बनेगा, तो फिर हम जो है ना नान के ऊपर लगा के तो इसको जो है ना वो तलते हैं। अच्छा जी अब सारी चीज़ें जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती हूँ जी बाउल के अंदर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू और प्याज जो है ना वो डालती हूँ, और इसके साथ ये मैंने जो रेड मिर्ची है ना वो इसलिए इतनी ली है ताकि जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त आएगा तो ही अच्छा लगेगा। हल्दी, नमक और साथ ही जो है ना लाल मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें कम ली हैं ताकि बच्चे जो है ना वो अच्छे से खा सके। धनिया और थोड़ा सा पुदीना था इसके अंदर, ज़ीरा। अच्छा जी, जो खुश्क धनिया है ना उसको मैंने हाथों के साथ मसल के जो है ना वो डाल लें। एक तो खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और दूसरा जो है ना अच्छा रहता है। और नबील फातिमा मैंने मसला तो कह रही है, कैसे कर रहे हो? और लीमू मैं क्यों डाल रही हूँ, लीमू इस वजह से डाल रही हूँ ताकि हाजम जो नान है ना वो अच्छे से हजम हो जाए। तो इमली का हल्का सा पल्प भी आप जो है ना डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लीमू का रस जो है ना वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। अच्छा जी, सारी चीज़ों को हमने जो इतने भी हमने मसाला जार डाले हैं उनको हाथों के साथ अच्छे से जो है ना वो मिक्स करेंगे। जो मज़ा हाथ के साथ काम करने में आता है ना वो स्पून वगैरह चम्मच वगैरह के साथ नहीं आता, तो जब तक इसके अंदर हल्का सा हम करेंगे ताकि मसाला नमक जो है ना मिर्ची वो अच्छे से एक दूसरे को जो है ना ये देखें, जब हम इसके हिलाएंगे ना ये देखें तो ये पानी जो है ना सारी चीज़ें अपना छोड़ देंगी। तो फिर हम उसके बाद बेसन डालेंगे ताकि पानी का इस्तेमाल जो है ना वो कम करना पड़े। जी ये बेसन जो है ना मैंने अच्छे तरीके से इसको छान लिया है। बेसन हमारा जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, फिर ही हर चीज़ का बेसन की बनी हुई चीज़ का अच्छे से जो है ना वो टेस्ट आता है। तो बेसन को हमेशा आप ख़ास तौर पे ख़ुद पिसवाएं, अगर नहीं दुकान से ले रही हैं तो अच्छे वाला बेसन लें ताकि आप कुछ भी बना रही हैं तो वो जो है ना ज़बरदस्त और अच्छा बने। गंदा बच्चा नबील फातिमा। अच्छा जी, ये नान को मैंने जो है ना बेसन लगाने से पहले इसको मैंने गीला करना है ताकि बेसन भी अच्छे से चिपक जाए। दूसरी बात ये कि जो है ना नान फ्राई होने के बाद जो है ना वो कभी भी हार्ड नहीं होगा, नरम और सॉफ्ट रहेगा। ये नान है जी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। आपको याद आएगी नानों को देख के कि जो लारी अड्डों पे बेसन वाले नान बेचने वाले आवाज़ें लगाती हैं ना, तो बाहर से आप ख़रीदें तो यकीन जाने कितना महंगा बिकते हैं। तो अगर आप जो है ना अपने घर पे बनाएंगे एक तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, और ऊपर से माशाल्लाह माशाल्लाह साफ़ सुथरा आप अपने खुद अपने जो है ना हाथों से बनाएंगे। अच्छा जी, अभी हम जो है ना इसको तेल जो है ना घी हमारा माशाल्लाह से गरम जो है ना वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको नान को जो है ना हमने बेसन वाली साइड पे नीचे करना है ताकि एक तो लुक ज़्यादा अच्छी आएगी और पकेगा भी जो है ना वो अच्छे तरीके से। हमने इसको बार बार जो है ना वो फ्राई ऊपर नीचे से नहीं करना, इसीलिए पहला स्टेप भी हमारा ये कि हमने नान जो है ना वो इस तरीके से डाल लें। और इससे ज़रूरी हमारा ये होना चाहिए कि घी जो है ना हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर ही हमारा नान जो है ना वो नीचे कढ़ाई के अंदर नहीं चिपकेगा। तो अभी इंशाल्लाह ताला हम इंतज़ार करते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना वो पक जाए। म
माशाल्लाह से लुक जो है ना वो चेक करिएगा, कितनी प्यारी जो है ना वो लुक आ रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छे से हमारा नान जो है ना फ्राई हो चुका है। दूसरी साइड से हमने इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो है ना वो माशाल्लाह से हमारा पहले ही ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, गुटे के भी दो। चीची शराब खा के उन्हें मुझे बताना है कि अच्छा बनना है। मजेदार है, मजेदार है, यस मजेदार बना। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, ये थी जी मेरी दोपहर की रूटीन। अपने बच्चों के लिए स्पेशल जो है ना बेसन वाले नान मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए फरमाइश पे, इनकी फरमाइश पे जो है ना बनाए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत अच्छे बने हैं। बच्चों को खुश करने के लिए आप जो है ना वो इनकी जायज़ ख्वाहिशात जो है ना पूरी कर सकती हैं। तो आप भी इसी तरीके से नान खुद भी बनाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत जो है ना यमी और मज़ेदार और साफ सुथरी जो है ना अपने हाथों से बना के आप खा सकती हैं। तो बच्चे खुश हैं तो अल्लाह पाक खुश है। तो कोशिश करें कि जो है ना अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, उनको खुश रखें। अल्लाह पाक जी आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी ज़िंदगी में हंसता और मुस्कुराता रखे। जो बाकी रह गया वो भी इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ। तो मिलती हैं जी एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए मुझे दे दी इजाज़त, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा जी। आप सबकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं जी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।